Good afternoon, students. Yesterday we have discussed the topic evaporation and factors that affect the rate of evaporation. Today we are going to discuss some questions based on evaporation. First hai, evaporation cause cooling effect. Cooling इफेक्ट, जैसे जब हम वाटर रखते हैं किसी कंटेनर में, हमें पता है इवेपोरेशन जो किसी भी टेम्परेचर पे हो जाती है, इसको हम बोलते हैं सिस्टम एंड दिस इज सराउंडिंग. ठीक है, इसके आसपास जो एरिया होगा उसको बोलते हैं सराउंडिंग. अब जब यहां से इवेपोरेशन होगी, ड्यू टू इवेपोरेशन ये क्या करेगा, सराउंडिंग से एनर्जी को गेन करेगा. अब जब सराउंडिंग एनर्जी को लूज करेगी तो ये क्या हो जाएगा, आसपास का एरिया क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा. ठीक है, जैसे इवेपोरेशन होती है वो कैसे होगी, बाय एब्जॉर्बिंग द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग. और जो एनर्जी को वो लूज करेंगे ना आसपास का सराउंडिंग, वहां पे क्या हो जाएगा, कूलिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा. फॉर ये देखो क्वेश्चन है, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग. इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग, द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग. जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी को कहां से गेन करेंगे, सराउंडिंग से, टू रिगेन एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन. दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कूल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथ इन समर. अब हम क्यों पहनते हैं, बिकॉज कॉटन क्लॉथ्स आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ वॉटर. जब वो वॉटर को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वॉटर जो है वो इवेपोरेट करेगा. और जब वो इवेपोरेट करेगा तो बॉडी को एज वेल एज सराउंडिंग को क्या करेगा, कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा. ठीक है, अब कॉटन बींग, ये देखो आंसर, कॉटन बींग अ गुड कंडक्टर ऑफ वॉटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू सराउंडिंग. वो क्या करेगा, उसको सराउंडिंग से सराउंडिंग को एक्सपोज करेगा. ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल एट सर्फेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग और बॉडी सर्फेस एंड मेक्स देम कूल. और क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी सी वॉटर ड्रॉपलेट्स ऑन द सर्फेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वॉटर. तुमने कभी नोटिस किया होगा कि अगर हमने चिल्ड वाटर रखा होता है किसी ग्लास में, तो उसके सरफेस पे क्या होता है, ये देखो, वाटर ड्रॉपलेट्स हो जाती हैं. तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहां से आती हैं, ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं सराउंडिंग से आती हैं. द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड ग्लास. वो जैसे ही उसके कॉन्टेक्ट में आती है वॉटर ग्लास के, तो वो अपनी एनर्जी को क्या कर देती है, लूज कर देती है. और किसमें कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है. तो ये जो हमें ड्रॉपलेट्स दिखाई दे रही हैं, ये कहां से आई है, सराउंडिंग से आई है. ठीक है, सराउंडिंग के एरिया से जो वॉटर वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट वॉटर वेपर प्रेजेंट होता है, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि यहां पे वो क्या करते थे, अपनी एनर्जी को लूज कर देते हैं. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, दीज आर बेस्ड ऑन इवेपोरेशन. बाकी तुम जब तुम एसीटोन को, जो तुम नेल पेंट रिमूवर यूज करते हो, जब तुम पाम में इसको एक ड्रॉप डालोगे तो वो क्या कर जाता है, इवेपोरेट कर जाता है. और जब वो इवेपोरेशन होती है तो हमारी पाम को क्या फील होता है, कूलनेस फील होती है. दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इवेपोरेशन. एंड जब हम कपड़े सुखाते हैं धूप में, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इवेपोरेशन. तो वो भी क्या, ये सभी जो इवेपोरेशन इफेक्ट है, दैट कॉज कूलिंग इफेक्ट. ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है ये तुमने नोटबुक पे नोट करने हैं. नेक्स्ट जो है हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे.